बियर्ड। हेलो। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड सर, आप कैसे हैं? सर मैं भी ठीक, कहाँ पे हो अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी बहरीन में हूँ, वैसे मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा जी। और आपकी फिटनेस कैसे चल रही है? सर फिटनेस तो मत पूछिए। एक्चुअली मैं 2010-11 में मैं जो है ना वो जिम वगैरह करता था, तो अच्छा। बिल्कुल फिट था। तब क्रिकेट वगैरह खेलते थे, लेकिन उसके बाद रिसेंटली मैं गैप ले लिया 5 से 6 साल का, अच्छा। तो वेट पुट डाउन हो गया, तो पहले पेट पूरा बाहर निकल आया, फैट हो गया, तो उसके साथ साथ ये मुलाजमा भी हो गया, हाँ दिख शायद रहा है नजर मुझे। आ रहा होगा। हाँ दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा। तो अभी ये रिसेंटली पूरा मैं पूरा फैल यूट्यूब, गया आपका ना, यहाँ तक फैल गया। हाँ वो बहुत तंग किया हुआ है इसने मुझे जो है ना, बहुत डॉक्टरों से और सबसे स्किन स्पेशलिस्ट से चेक करवा के तो जलील होके थक कर के बैठ गए हैं, कुछ नहीं होता जलील कर दिया उन्होंने, डॉक्टर्स ने जलील कर दिया आपके बैरीन में। सर। वो उन बस वो उनको अपनी फीस की होती है, फीस मांगते हैं, बाकी सब कुछ बाढ़ में जाए। अच्छा, तो क्या दवाइयां लिख दी होगी उन्होंने, ये लगा लो वो लगा लो? सर वो क्रीमें मेरे पास, मैं आपको अभी रूम से बाहर नहीं तो मैं आपको दिखाता, मेरे पास कम से कम 15-20 तो जो है ना वो क्रीम पड़ी हुई है ओहो। मुख्तलिफ ब्रांड की, ना वो बोलते हैं ये नाइट लगाओ ये नाइट की लगाओ। क्रीम लगाओ। हाँ, नाइट की अलग क्रीम है, बिल्कुल, डे की नाइट अलग की अलग क्रीम है, है। डे की अलग है, बाहर निकलना अलग है। हाँ तो पूरा अभी मैं रिसेंटली कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले शायद जो है ना यूट्यूब पे मैंने आपका चैनल देखा, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, वो जो आपने बनाई हुई थी ना, तो अभी रिसेंटली मैंने आपको कॉलिंग करना स्टार्ट किया। इंशाल्लाह मैं एक 1.5 महीने तक आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। बिल्कुल एक्सरसाइज भी बिल्कुल। स्टार्ट किया दोबारा मैंने, हाँ देखो, आपको अगर फॉलो हाँ करा। अच्छा मेरा बोलो। एक सवाल था, हाँ जी अगर आप मुझे थोड़ा सा डाइट के बारे में गाइड कर दें, क्योंकि मैंने फैट लॉस भी करना है अच्छा और साथ में ये प्लाज्मा का भी इशू है, तो ठीक अगर है। आप मुझे डाइट देखो बता दें, क्योंकि डाइट मैं में क्या डाइट है के ना, बारे में मैं आपको कंफ्यूज बताता हूँ, हूँ। आप ना रिफाइंड ऑयल अवॉइड करना, ठीक है? सरसों का तेल में ओके खाना बनाओ, या देसी घी में बनाओ, या फिर आप कोकोनट ऑयल में बनाओ, इसमें खाना बनाया करो, रूल नंबर वन। ठीक है, रूल नंबर टू, अपनी डाइट में ना आप ताजे जो फल आते हैं ना, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स जी ऐड सर, करो, और खूब सारा सलाद खाया करो अपनी डाइट में, और आपने खूब सारा जी सर, पानी पीना है, और घर का जी खाना सर, खाएं, बस हो गया। मेरे बायो में ना लिंक दे रखा है, पूरा वीडियो है, पूरी डाइट बता रखी है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कैसे करना है, तो बायो में लिंक है, वही वो एक सर, बार चेक कर लेना, और वो पानी मैं खूब सारा चेक कर, पिया करो। और बाकी अगर क्योंकि अभी वर्कआउट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हर खाना खाने के बाद ना, लंच डिनर के बाद थोड़ा वॉक कर लिया करो, उससे नहीं, फर्क अभी सर पड़ता मैं है। तीन चार दिन से रनिंग स्टार्ट की है हम लोग, एक अच्छा डेढ़ अच्छा किलोमीटर 2 किलोमीटर जो है ना, अच्छा 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 लेकिन वो अभी जो है ना वो टांगे फूल जाती हैं, हाँ देखो, शुरू शुरू में ऐसा दर्द। होता है, रिजल्ट आपको ओवरनाइट नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी जी पड़ेगी, जी कम से कम तीन लेकिन चार आप महीने में ना आप खुद आपको रिजल्ट पता लगेगा। सर, मैंने बहुत से फिटनेस ट्रेनर यूट्यूब पे बड़े पड़े हैं एक के बाद एक, लेकिन जो मोटिवेशन आपकी वीडियो देख के मिला ना, भला किसी की देख के नहीं मिला। बहुत 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 मोटिवेट हुआ मैं शुक्रिया। आपका, आपका रिजल्ट देख, जो चीज सामने नजर आती है ना हाँ जी वो अफेक्ट करती है, तो आपका रिजल्ट सामने नजर आता है, बंदा ये एतमाद कर सकता है, क्योंकि इधर दिखाते कुछ और है बेचते कुछ और है, देखो आजकल ना हर चीज बिजनेस बन चुकी है, हर चीज बिजनेस, वही है ना, तो हर कोई वही है। पैसे के पीछे भाग रहा है, तो हाँ हम वही, क्योंकि मैं ये तकरीबन गुरु मान सर को तो मैं बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ, अच्छा लेकिन वो एक्चुअली मेरा तो कुछ जॉब इस किस्म की थी, ड्राइविंग की, तो टाइम नहीं मिलता था, बैठ बैठ के वो इधर कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता था मैं, और फास्ट अच्छा फूड बहुत खाना, 24 घंटे हाँ बस चलते रहना, उस वजह अच्छा से बहुत जो है ना काम खराब हो गया, लेकिन अभी थोड़े दिन हुए मैंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया, तो अच्छा इंशाल्लाह मैं चलो टच ठीक है। में रहूंगा, आप भी टच में रहिएगा। आप मुझे रिजल्ट भेजें, अब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, बहुत मुतमई हो जाऊंगा मैं आपका रिजल्ट देख के। नहीं ठीक नहीं है इंशाल्लाह मैं भेजूंगा। हाँ ठीक है, चलो जी आपको अपना ख्याल रखो। आप ईद सर, अभी आप गई भी अपना थी, ईद ख्याल कैसी रखिए। रही है यहाँ पे, ईद कैसी रही आपकी? सर ईद का मैं आपको अभी क्या बताऊं, सबको एक ही स्टोरी बता रहा हूँ। ईद की नमाज तो इन लोगों ने होने नहीं दी इधर, अच्छा तो हम लोग सुबह सो गए, रात को जाग रहे थे, तकरीबन अच्छा 3:30-4 बजे उठे हैं शाम को, तो अच्छा हम लोगों ने प्लान बनाया चलो बीच पे चलते हैं, अच्छा तो बीच के लिए निकले, जब उधर पहुंचे तो उन लोगों ने वापस भेज दिया। अच्छा उन लोगों ने बोला तुम लोग को नहीं पता लॉकडाउन है, वापस जाओ, तुम लोग किधर बाहर घूम फिर रहे हो, तो वो बस ईद चलो जो है ना बहुत खराब किस्म की गुजर गई, चलो, आपकी सेफ्टी के लिए वो भी। वही है ना वो बस।
2 महीने से तो सब कुछ सेफ्टी के लिए हो रहा है, लेकिन तंग आ गए हैं एक रूम में, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सही हो जाएंगी अभी धीरे धीरे ना, हो रहा है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक बेहतर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप अपना ख्याल रखें। मुझे भी बहुत अच्छा, और मैं वेट करूंगा आपको बता नहीं सकता, मैं आपकी फोटो वेट करूंगा। मैं सर लाजम तब तक फोटो कोई नहीं खींचूंगा, मेरे पास पुरानी पड़ी हुई है, अब मैं नई नए रिजल्ट के साथ खींचूंगा। ठीक है, पुरानी भी खींच के रख लेना, फिर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं खींच के। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखें आप। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।